दिन की शुरुआत हम बुरी खबर के साथ बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने पहली वीडियो इस टॉपिक के ऊपर नहीं बनाई, मगर ये खबर भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको कवर करना भी जरूरी था। दरअसल दो बैड न्यूज निकल कर आ रही हैं, जिनको वन बाय वन हम इसी एक वीडियो में कवर करेंगे। पहली खबर की बात करें तो वो निकल कर आ रही है भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर मनी कंट्रोल के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में एक ही बार में 8 बिलियन डॉलर्स की बहुत ही ह्यूज गिरावट देखने को मिली है, जिसके बाद भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स अब पिछले 15 महीनों में सबसे लोवेस्ट लेवल के ऊपर चले गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 8 जुलाई को खत्म हफ्ते के फॉरेक्स रिजर्व्स के डेटा रिलीज कर दिया है, जिसके मुताबिक इस हफ्ते 8.06 बिलियन डॉलर्स की बहुत ही बड़ी गिरावट मिली है। ये इस साल की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट है। इससे पहले 1 अप्रैल को खत्म हफ्ते में भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में 11 बिलियन डॉलर्स की गिरावट आई थी। आरबीआई द्वारा रिलीज डेटा के मुताबिक भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स का नया आंकड़ा अब 588 बिलियन डॉलर्स से नीचे गिरकर 580 बिलियन डॉलर्स पहुंच गया है, यानी इस समय भारत के पास मात्र 580 बिलियन डॉलर्स के फॉरेक्स रिजर्व्स बचे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स में इतनी बड़ी गिरावट का कारण है फॉरेन करेंसी एसेट्स में गिरावट आना। इसके अलावा भारत की करेंसी इंडियन रुपीस में भी यूएस डॉलर के मुकाबले भारी गिरावट आ रही है। आरबीआई के अधिकारियों ने इससे पहले कहा था कि वो कुछ भी करके भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स 600 बिलियन डॉलर्स के आसपास ही रखेंगे, लेकिन अब 580 बिलियन डॉलर्स तक नीचे जा गिरे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में घोषणा की है कि भारत के ट्रेडर्स इंटरनेशनल ट्रेड करते समय भारत की करेंसी इंडियन रुपीस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इस कदम के बाद भारत की करेंसी इंडियन रुपीस में जो गिरावट आ रही है उसको भी रोका जा सकेगा और भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी और ज्यादा नीचे गिरने से बचेंगे। ये तो थी पहली खबर। दूसरी खबर निकल कर आ रही है रेमिटेंसेस, यानी जो पैसा विदेशों में रह रहे भारतीय और भारतीय मूल के लोग भारत में बैठे अपने परिवार को भेजते हैं उसको लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर फाइनेंशियल एक्सप्रेस के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक कोविड 19 के कारण साल 2021 में गल्फ कंट्री से भारत को आने वाली रेमिटेंसेस में भारी गिरावट देखने को मिली है। अब ये हेडलाइन पढ़ते ही हम पहले कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि साल 2021 में तो भारत की टोटल रेमिटेंसेस में वृद्धि देखने को मिली थी, जिसमें गल्फ देशों का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। साल 2020 में भारत को 82 बिलियन डॉलर्स की रेमिटेंसेस आई थी, जबकि साल 2021 में 89 बिलियन डॉलर्स की, यानी तकरीबन 7 बिलियन डॉलर्स की बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि ये बढ़ोतरी मिडिल ईस्ट के गल्फ देशों के कारण नहीं हुई है, बल्कि वहाँ से तो घाटा हुआ है। दरअसल जब साल 2021 के रेमिटेंसेस के डेटा के ऊपर रिसर्च की गई तो पता चला है कि पिछले साल मिडिल ईस्ट के गल्फ देशों से मात्र 30% रेमिटेंसेस आई हैं, जबकि 3 से 4 साल पहले तक भारत की 50% रेमिटेंसेस अकेले मिडिल ईस्ट के गल्फ देशों से आती थी, यानी 20% की गिरावट हो गई है। टोटल रेमिटेंसेस इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि गल्फ देशों की गिरावट की भरपाई का काम किया है अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर से आने वाली रेमिटेंसेस ने। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन तीन देशों ने भारत की कुल 36% रेमिटेंसेस भेजी थी, यानी गल्फ देशों से भी ज्यादा। और अगर एक पर्टिकुलर देश की बात करें तो अमेरिका सबसे ऊपर है। भारत की टोटल 20% रेमिटेंसेस अकेले अमेरिका से आई हैं। अमेरिका ने यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को रिप्लेस कर दिया है। इससे पहले भारत को सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस यूएई से आया करती थी। इस हिसाब से देखा जाए अगर गल्फ कंट्री से रेमिटेंसेस का फ्लो पहले जैसा रहता तो साल 2021 में भारत रेमिटेंसेस के मामले में 100 बिलियन डॉलर्स की रेमिटेंसेस का आंकड़ा भी पार कर लेता। साल 2022 में शायद ये फिगर भी अचीव हो जाए, क्योंकि अब तो कोविड 19 का प्रभाव बिल्कुल खत्म हो चुका है। इसके साथ ही हर साल विदेशों में जाकर काम करने वाले भारतीय लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। खैर, वैसे क्या आप भी विदेशों में जाकर नौकरी करना चाहते हैं, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।